Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials, because all kinds of technology related solutions are available on this channel. तो दोस्तों आगे हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज हम बात करेंगे म्यूजियो प्लेयर, यानी कि एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर है, काफ़ी इजी म्यूजिक प्लेयर है और इसमें जो इक्वलाइजर है वो मुझे बहुत पसंद आया। इक्वलाइजर के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक कटर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अगर कोई सॉन्ग सुनते सुनते कोई म्यूजिक अगर पसंद आता है तो उसको वहीं से आप उसको कट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। प्लेबैक स्पीड मिल जाता है और भी बहुत कुछ ऑप्शंस इसमें हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलेंगे। तो जो लोग म्यूजियो प्लेयर यानी कि एक म्यूजिक प्लेयर है इसके बारे में जानते होंगे वो लोग वीडियो को स्किप कर दे, जो लोग नहीं जानते वीडियो में आगे बने रहे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। हमारे सेकंड चैनल स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी यूनिक वीडियो आने वाली है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और हमारे इस चैनल के होम पेज पर भी है। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यूनिक वीडियो की लिस्ट बड़ी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं म्यूजियो प्लेयर में और देख लेते हैं किस तरह से इंटरफेस है इसका। इसको ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशंस लेगा जो मैंने पहले ही दे रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इसको जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ टैब्स आते हैं टॉप स्क्रीन पर, ठीक है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सर्च, गो प्रीमियम में जो है इसमें ऐड रिमूव करने के लिए, वैसे ऐड बॉटम में आती है इसकी कोई दिक्कत हमें होती नहीं है, ठीक है, तो आप वैसे इसका प्रीमियम ले भी सकते हो। इक्वलाइजर इसका बहुत बढ़िया है, 99 में है इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो आप ले सकते हो लाइफ टाइम के लिए। मोर ऑप्शन है, उसको हम बाद में आपको दिखाएंगे। suggested. पहले जो है सजेस्टेड सॉन्ग, यानी कि जो सॉन्ग्स आप ज़्यादा सुनोगे वो सॉन्ग यहाँ पर आपको सजेस्टेड में दिखाएगा ऊपर, ठीक है। ये लोकल आपके फाइल मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं। सॉन्ग्स यानी आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग्स है वो सॉन्ग सारे दिखाएंगे। ये टैब्स है सारे, एल्बम का टैब है यहाँ पर, आर्टिस्ट का भी टैब है, प्लेलिस्ट का टैब है, फोल्डर्स का टैब है। तो हम लोग जो है फोल्डर वाइज भी यहाँ पर सॉन्ग्स सुन सकते हैं। अब मैं कोई फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Menu, download Hoover, download, converted under colon, audio, enter, menu, open, off, download Hoover, Sanu, download, but, download ke le lete hain. Musio player, dump temp under 19th, the Nexus Rhythm, Zoom, the 19th floor, the Nexus Rhythm, Conjure Old Money, unknown, 3 of 5, Zoom, 5 tracks, 4 of 5. तो ये एक सॉन्ग है, मतलब म्यूजिक है, इसको प्ले करते हैं हम लोग और प्ले करने के बाद यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। Musio player, play it from, Musio player, 00, 004, player next button. Media volume controls, 93%, 33%, media, seat control, 63%, media, player play pause map, button, Musio player. Volume controls hidden. तो ये देखिए म्यूजिक जो है इसको प्ले हो गया। यहाँ पर होम बटन के बिल्कुल ऊपर जो है आपको प्ले बटन मिल जाता है, player press button, button. और उसके बाद लेफ्ट साइड में जैसे आप स्वाइप करोगे तो प्रीवियस का बटन है, player repeat button. और यहाँ पर रिपीट का भी बटन है। अगर आपको कोई सॉन्ग बार बार सुनना है तो आप उसको रिपीट पे क्लिक करेंगे तो सॉन्ग बार बार प्ले होते जाएगा। Player play pause, player next button. नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट कर सकते हो। Player shuffle button. शफल का बटन है, शफल कर सकते हो। अब अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, TLDR more button. मोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इस सॉन्ग से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पॉपअप विंडो, सोशल शेयर 1 of 15, एनलिस्ट 15 आइटम्स, पॉपअप विंडो। यहाँ पर है सोशल शेयर, ऐड टू प्लेलिस्ट 2 of 15, प्लेलिस्ट बना सकते हो आप अलग से, टैग एडिटर 3 of 15, टैग एडिट कर सकते हो इस सॉन्ग में अगर आपको कोई नए टैग ऐड करने हैं तो, डिटेल्स 4 of 15, डिटेल्स इस सॉन्ग की देख सकते हो, लिरिक्स 5 of 15, लिरिक्स देख सकते हो अगर लिरिक्स अवेलेबल है तो, वॉल्यूम 6 of 15, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो अगर वॉल्यूम और भी ज्यादा इंक्रीज होगा इसमें तो, इक्वलाइजर 7 of 15, इक्वलाइजर आप यहां से सेट कर सकते हो। इक्वलाइजर काफी जबरदस्त है इसका। इक्वलाइजर की थोड़ी सी सेटिंग में आपको दिखा देता हूं क्या क्या है इसमें। इक्वलाइजर में चलते हैं। म्यूजिक प्लेयर, इफ बीट्स इक्वलाइज ऑफ, स्विच
इक्वलाइजर फिलहाल ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हो। फ्लैट फोक सिलेक्टेड, हेवी मेटल, हिप हॉप, जैज, पॉप। तो ये सारे इक्वलाइजर के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्री वाले एप्लीकेशन में भी है, इसके लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जिट करेंगे। बैक म्यूजिक प्लेयर TLBR मोड पॉप अप विंडो डिटेल लिरिक्स वॉल्यूम इक्वलाइजर 7 to 15। ठीक है, इक्वलाइजर हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्लीप टाइमर 8 to 15, यहाँ पे आप स्लीप टाइमर ऐड कर सकते हो। आपके जो अगर आपने कोई फोल्डर प्ले किया है तो उसमें स्लीप टाइमर अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ड्राइव मोड 9 to 15, ड्राइव मोड है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। लॉक स्क्रीन 10 to 15, लॉक स्क्रीन पे जो है प्ले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ से। प्लेयर थीम 11 to 15, प्लेयर थीम चेंज कर सकते हो। रिंगटोन कटर 12 to 15, और ये सबसे बेहतरीन मुझे फीचर लगा रिंगटोन कटर। अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद आ रहा है और अगर आपको सॉन्ग सुनते सुनते बीच का अंतराल ऐसा कोई मिला कि जो आपको लगता है कि इसको रिंगटोन बनाना चाहिए, तो यहाँ पर आके आप रिंगटोन में जाके वो उतना टाइमर देख के आप एडिट कर दीजिए, यहाँ पर आपको रिंगटोन काट के मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। प्लेबैक स्पीड 13 to 15, ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपको प्लेबैक स्पीड मिल जाता है। अगर आपको कोई सॉन्ग फास्ट प्लेबैक करना है तो आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो। डिलीट फ्रॉम डिवाइस 14 to 15, यहाँ से आप डिवाइस से जो है डिलीट कर सकते हो इसको। शेयर 15 to 15, और शेयर कर सकते हो। तो काफी अच्छे फीचर्स है इसमें, इस म्यूजिक प्लेयर में। बैक बैक करेंगे म्यूजिक प्लेयर TLBR मोड बटन म्यूजिक प्लेयर YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, ये YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से लिया हुआ है मैंने। TLBR क्लोज बटन, क्लोज का बटन है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। प्ले फ्रॉम, बस इतना ही है। तो ये एक इजी सा सिंपल सा जो है म्यूजिक प्लेयर है, इसको आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कुछ जो है इसमें आप प्ले कर सकते हो। ऊपर मैंने आपको कुछ टैब्स दिखाए जो आप टैब सिलेक्ट करके डाउनलोड सर्च 5 songs 10/22/storage/emulated/0/download, तो डाउनलोड में कुछ सॉन्ग्स हैं, वो सॉन्ग्स जो है आप अपने फोल्डर के हिसाब से आप जितने सॉन्ग्स रहेंगे फोल्डर में आप वो सुन सकते हो। तो काफ़ी इजी ये म्यूजिक प्लेयर है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस म्यूजिक प्लेयर के बारे में। तो और भी काफ़ी सारे म्यूजिक प्लेयर मैंने ट्राई किए हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक के ऊपर अगर ये म्यूज़िक प्लेयर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो इससे भी कोई अच्छा वाला म्यूज़िक प्लेयर मैं ढूंढूंगा। फिलहाल तो मैं ये वाला म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा, इसे यूज़ करके रिप्लाई दीजिएगा, तो हम और भी अच्छे अच्छे म्यूज़िक प्लेयर्स आपके लिए ढूंढ कर लेके आएंगे। और स्पॉटिफाई के ऊपर हम लोग कमिंग वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। स्पॉटिफाई ऑनलाइन म्यूज़िक आप कैसे सुन सकते हो उसके लिए, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।